जारी शीतलहर से बड़ी परेशानी, कई जिलों में बिगड़े हालात, अलाव के सहारे कट रही है जिंदगी। शीतलहर नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। ब्रिटेन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात सर्दी के सितम की। सर्दी और बूंदाबांदी के बीच धनबाद में सड़क किनारे रात गुजारने वाले लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। प्रशासन की ओर से कंबल वितरण और अलाव की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। धनबाद में कैसे कटती है बेघरों की सर्द रात, जायजा लिया हमारे सहयोगी विभास चंद्र ने। जिला प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है, मगर अब इस बारिश में इस अलाव को तापने वाला बहुत ही कम लोग नजर आते हैं। यहाँ पे अलाव को तापने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कुछ राहगीर हैं जो कि अभी यहाँ पे आए हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। सर, ये ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ठंडा है, ऊपर से बारिश भी आ गया है। बारिश भी है, ठंड भी बहुत है। ठंड में तो कब अलाव जो है कितना राहत देता है? बहुत बढ़िया राहत है, यही तो जान नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? हम आ रहे हैं भाई पास भोज मंदिर के पास से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? हीरापुर जाना है। सभी अपने अपने रात गुजार रहे हैं, किसी प्रकार से एक अलाव का व्यवस्था कहीं पे है उसको एक करके, कोई कम्बल ओढ़ करके। और राहगीर का क्या हाल है, बाहर जो रात गुजार रहे हैं उनका क्या हाल है, आइए चलते हैं अगले चौक चौराहे पे। कब से रह रहे हैं? करीब हो गया 4-5-6 रोज हो गया। अच्छा, कम्बल मिला है आपको? नहीं मिला। कड़ाके की ठंड है, बारिश भी हो रही है, किस तरह यहाँ रात गुजार रहे हैं? क्या करेंगे, तो पानी टंकी के पास इतना रह रहा है। वहाँ से चल गए रहे, ISM में 5-6 महीना रहे, वहाँ से बीमार पड़े हैं। से अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, यहाँ वहाँ ले चलते हैं, क्या करें। हर एक जगह वही हाल है, वही नज़ारा है। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से रिक्शा चालक यहाँ रात गुजारने को विवश है, किस प्रकार से कंबल के नीचे, रजाई के नीचे, या फिर जिनको जो भी मिला है बोरा कोई ओढ़े हुए हैं ताकि बारिश से भी बच सके और ठंड से भी बच सके। और इसी तरह धनबाद में हर एक जगह आपको एक ही नज़ारा देखने को मिलेगा, वही कंबल, वही बोरा। अब अपना कंबल हो या कोई बोरा हो या फिर रजाई हो या फिर जैसे भी हो, ये ठंड की रात गुजारना इन गरीबों के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि ठंड के साथ साथ बारिश ने दोहरी मार इन पर डाली है। कैमरामैन सहनवाज के साथ विभास चंद्रा, न्यूज 18 धनबाद। रांची में भी ठंड कहर बरपा रही है, ऊपर से रही